हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? राजी बाजी हैं? खैरो खरीयत से हैं? आप भी कह रहे होंगे भाई ने शर्ट बड़ी पहनी है, नेक शनेक लगाई है, लगता है भाई किधर कहीं जा रहा है। तो वाकई मैं जा रहा हूँ, मैकटन कॉलोनी, जो मेरे घर के पास ही कोई 10 से 15 मिनट की ड्राइव है, उधर जाना है। उधर वीवो मोबाइल कंपनी है, उनके हेड ऑफिस जाना है। तो उधर मुझे कुछ काम था, किसी से बंदे से मिलना था, तो उधर चलते हैं। काम भी अपना कर रहे हैं और आपको भी दिखाते चलते हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ। और साथ ये है कि जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उसे एंजॉय हो सकें और एंटरटेन हो सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का भी आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा। और उधर से होके आना है, फिर जाना है जी मैंने ससुराल शरीफ अपनी बेगम को लेके। तो ससुराल शरीफ तो मस्त है, उधर हम छुट्टी नहीं कर सकते। वो आप भाई को तो मतलब जो जो शादीशुदा है वो तो उसको तो मस्त पता है कि ससुराल शरीफ जाए बगैर गुजारा नहीं है। तो चले आए, पहले चलते हैं वीवो कंपनी के हेड ऑफिस, फिर उधर से आके चलते हैं जी ससुराल शरीफ। तो चले आए, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ जी बाहर और बाइक खड़ी है बाहर। आज हम जा रहे हैं CD125 पे, आपको 125 भी दिखाते हैं जी। ये 125 है हमारा, इस पे हम जाएंगे, गेड़ी लगाएंगे। गेड़ी लगाते हुए मैकडोन चलते हैं वीवो हेड ऑफिस। मैं गलियों के अंदर से जा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि सियालकोट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है, तो गलियों गली जा रहे हैं, लेकिन गलियों में भी रश इतना है कि जिसकी हाथ नहीं चले। मैं आपको सामने दिखाता हूँ ट्रैफिक कितनी ब्लॉक हुई है, वो भी गलियों के अंदर। ये देखें जी सामने कितनी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है और मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके ना साइड पे खड़ा हूँ। अब ट्रैफिक निकल रही है तो हम भी निकलते हैं। फाइनली जी ट्रैफिक से निकल आए हैं। ये आप देख रहे होंगे मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ, बाहर मेन रोड से नहीं जा रहा। ये मेन रोड आ गया, बाहर मेन रोड पे आ गए हैं। अब हम एंटर हो रहे हैं मैकटोन कॉलोनी, ये ऊपर आप देख रहे हैं, कॉलोनी के अंदर चलते हैं, बस पहुँचने वाले हैं। ये एंट्रेंस है कॉलोनी की और बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है तो पहुंचते हैं उधर। आपको अब विज़िट कराते हैं कॉलोनी, कॉलोनी भी दिखाते हैं कि कॉलोनी कैसी है। तो चले आए देखें मेरे साथ साथ बाइक पे। जी मैं पहुंच गया हूँ वीवो कंपनी के वेयर हाउस, जिधर मुझे काम था। मैं बंदर जा रहा हूँ, बंदे से मिलना है, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद जब वापसी पे निकलेंगे तो आपके साथ फिर से बातचीत शुरू करेंगे। जी वापस आ गए, हम काम ख़त्म कर रहे हूँ, छोटा सा काम था वो ख़त्म हो गया। और अब ये है कि अब निकलते हैं ससुराल शरीफ की तरफ, तो क्योंकि उधर जाना लाजमी है। तो चले आएँ अब अपनी वाइफ के साथ अपने ससुराल शरीफ चलें। जी मैं पहुंच गया हूँ ससुराल शरीफ और आप चलते हैं अंदर, सबसे मिलाते हैं और आपको दिखाते भी हैं मेरे ससुराल वालों का घर। देखें जी बच्चे खेल रहे हैं अपनी किताबों के साथ लगा हुआ है, यहाँ ईमान जो है वो भी टॉयज के साथ लगी है। पीछे वो मेरे ससुर बैठे हैं और वो आयत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे। और देखें जी तो अब ज़रा गपशप लग ले फैमिली के साथ, फिर आप लोगों से होती है बात। वो देखें जी अलेक्सी मुगल अली भी आ गया जी, सोया वो उठ के आया। कोल्ड ड्रिंक आ गई है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपको दिखाते भी हैं। तो नाल चुस्कियाँ लाने हैं तो नाल माली मुगल जो सा ना वो कोई अपने छापर छुपर ढूंढ रहा है, वो आपको दिखाते कौन से छापर देख रहा है। ये देखें जी अली मुगल ना अपने कोई पीस उसने पैक करने हैं,
तो उसके लिए ज़िपर ढूंढ रहा है। ये कोई काम जो अली करता है ना, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो उसने पैक करनी है। तो अली ने वो, अब पता नहीं इसमें है कि नहीं है उसके पास, के बाज़ार से उसे लाने पड़ते हैं। चलो देखते हैं क्या बात है। क्या करना आए इधर, ये देखो क्या कर रही हो, किधर जा रही हो, हैं वो देखना जरा, ठहर जा जरा। हाँ जी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मेरे टाइम पे जो स्कूल टीचर हैं ना जिससे मैं पढ़ा हुआ हूँ, वो आए हैं मेरे अपना ब्रदर इन लॉ के पास। मैं तुमको कोई काम था उनसे, तो चले आए उनसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे जो स्कूल के टीचर थे जो मेरे अकेडमी में पढ़ाते थे और स्कूल भी उनसे पढ़े हुए हैं। तो चले आए, चलते हैं बाहर उनके पास। ये देखें जी, ये जो कज़न है मेरा ग्रीन शर्ट में, और वो साथ मेरे सर खड़े हैं, सर नूर, और हम इनसे 9th 10th हमने इनसे पढ़ी हुई है, और मैं अकेडमी भी हम इनके पास पढ़ते थे। बड़े अच्छे सर हैं। तो उनका कोई बच्चा है बेटा, जो मेरे कज़न जिस यूनिवर्सिटी में जॉब करता है उधर पढ़ता है, तो उनका कोई इशू है तो उसके लिए आए हुए हैं उनके पास। मैं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि कोई उनकी जो डिस्कशन थी कुछ पर्सनल भी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग बातें कर रहे हैं तो हम चलते हैं अंदर। अंदर जाके बैठते हैं, खाना शाना भी लग रहा है, वो भी खाते हैं और सबको भी दिखाते हैं कि क्या खाना खाने लगे हम आज। ये देखें जी केले आ गए हैं, फ्रूट खाएंगे हम पहले और फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे, बाद में भी खाना नहीं बना। बहुत मज़े का, और आपको दिखाया अभी। ये देखो हमारा जो बिलाना, ये रोड है, ये अभी उठा इधर आए थे, इधर देखो, ये देखो। हाँ जी रोना आ रहा है, शो के उठी हो है। और मेरी बेगम को अपने बाजी से मिला तोहफा, एक मैगी नूडल्स, ये देखें जी, जो बड़े शौक से खाए जाते हैं, और सारी जो लड़कियां ना बड़े शौक से खाती हैं। और मैं आप पी रहा हूँ ग्रीन टी, वो भी आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें जी ग्रीन टी आ गई है, हाजमे का तोड़, खाना बड़ा दबा के खाया है, तो मैं कब ग्रीन टी पी लें तो फिर ज़रा इंजॉय भी हो जाएगा और खाना हजम भी हो जाएगा। चॉकलेट खाने का दिल कर गया और अब हम खाने के बाद खाएंगे पर्क 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 चॉकलेट खाएंगे और यशी मारेंगे, साथ और भी चॉकलेट वाली चीज़ें हैं वो भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। अब हम जा रहे हैं घर, तो घर जा के आपसे करते हैं बात। खैर खैरियत से पहुंच गए हैं घर हम, और कमरे में आया हूँ, एसी वगैरह लगाया है, कमरा शमरा ज़रा चेल शेल किया है, ज़रा मतलब कि सुकून से बैठ सकें हम और आपसे बात कर सकें। तो उम्मीद है मुझे कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मुझे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको। और अपने भाई को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।